नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में खेला गया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों सबसे अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो सबसे ज़्यादा रन कोहली ने बनाए 33 गेंदों में 39 रन। उसके बाद देवदत्त पाडिकल ने 18 गेंदों में 21 रन, एस भरत ने 16 गेंदों में 9 रन और 18 गेंदों में 15 रन, मैक्सवेल एबी डिविलियर्स ने 9 गेंदों में 11 रन और अहमद ने 14 गेंदों में 13 रन, 8 गेंदों में 9 रन क्रिश्चियन ने बनाए। और अक्षर पटेल की बात करें तो 6 गेंदों में 8 रन, जी मार्टिन ने अपना खाता नहीं खोला और अतिरिक्त के रूप में आए 13 रन। कुल मिलाकर के आरसीबी ने 138 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए। आरसीबी की तरफ से पहला विकेट गिरा 6वें ओवर में देवदत्त पाडिकल के रूप में, जब आरसीबी का स्कोर था 49 रन। दूसरा विकेट 69 रनों पर गिरा 10वें ओवर की 4थी गेंद पर। तीसरा विकेट गिरा विराट कोहली का 13वें ओवर की 2री गेंद पर 88 रन पर। और चौथे विकेट की बात करें तो एबी डिविलियर्स आउट हुए 15वें ओवर की 2री गेंद पर, जब स्कोर था 102 रन। और उसके बाद मैक्सवेल आउट हुए 17वें ओवर की 4थी गेंद पर 112 के स्कोर पर। 18.6 ओवर पर गिरे अहमद। और इस तरह से कुल मिलाकर के आरसीबी ने 134 रन बनाए। अब जवाब में कोलकाता को 135 रन बनाने थे जीत के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कोलकाता की तरफ से बैटिंग करते हुए क्रिस गिल ने 18 गेंदों में 29 रन और अय्यर ने 30 गेंदों में 26 रन। राहुल त्रिपाठी ने 5 गेंदों में 6 रन। एस राणा ने 15 गेंदों में 18 रन। एस नारायण ने 4 गेंदों में 19 रन और अतिरिक्त के रूप से 3 रन। दोस्तों कुल मिलाकर के पहला विकेट कोलकाता का गिरा 41 रन पर। और जब 5.2 ओवर का खेल चल रहा था और उसके बाद दूसरा विकेट राहुल त्रिपाठी आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में 53 के स्कोर पर 7वें ओवर की 6वीं गेंद पर। और उसके बाद आउट हुए अय्यर 10वें ओवर के 6वें गेंद पर और जब स्कोर था 79 रन। तो दोस्तों इस प्रकार से कोलकाता ने एक बार फिर से मैच को अपने नाम कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच को जीत लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैच में आईपीएल 2021 के आखिरी सीजन था, इसमें फैंस को विराट कोहली की कप्तानी बड़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन फिर भी टीम से बाहर हो गए। और इस बार जो है विराट कोहली अभी तक एनिमिनेटर तक खेला, लेकिन इसके बाद भी इनको बाहर जाना पड़ा। तो दोस्तों ये था मैच का आंखों देखा हाल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपीएल 2021 में सोमवार यानी कि आज एलिमिनेटर खेला जाना था। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत थी, लेकिन बेंगलोर के इस मैच इसलिए ज़रूरी था क्योंकि टीम यहां अगर जीतती तभी आगे जाती, लेकिन कोहली के सपने अधूरे ही रह गए और केकेआर यानी कि मॉर्गन की टीम ने एक बार फिर से जो है मैच को अपने नाम कर लिया है। तो इसमें जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 135 रन बना करके मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों और ये था 59वें मैच का आंखों देखा हाल। अगले मैच में फिर हम आपसे मिलेंगे। तो इस मैच में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का 49वां मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में खेला गया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों सबसे अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो सबसे ज़्यादा रन कोहली ने बनाए 33 गेंदों में 39 रन। उसके बाद देवदत्त पाडिकल ने 18 गेंदों में 21 रन, एस भरत ने 16 गेंदों में 9 रन और 18 गेंदों में 15 रन, मैक्सवेल एबी डिविलियर्स ने 9 गेंदों में 11 रन और अहमद ने 14 गेंदों में 13 रन, 8 गेंदों में 9 रन क्रिश्चियन ने बनाए। और अक्षर पटेल की बात करें तो 6 गेंदों में 8 रन, जी मार्टिन ने अपना खाता नहीं खोला और अतिरिक्त के रूप में आए 13 रन। कुल मिलाकर के आरसीबी ने 138 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए।
आरसीबी की तरफ से पहला विकेट गिरा छठवें ओवर में देवदत्त पाटीकल के रूप में, जब आरसीबी का स्कोर था 49 रन। दूसरा विकेट 69 रनों पर गिरा दसवें ओवर की चौथी गेंद पर। तीसरा विकेट गिरा विराट कोहली का 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर 88 रन पर। और चौथे विकेट की बात करें तो ए बी डिविलियर्स आउट हुए 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब स्कोर था 102 रन। और उसके बाद मैक्सवेल आउट हुए 17वें ओवर की चौथी गेंद पर 112 के स्कोर पर। 18.6 ओवर पर गिरे अहमद, और इस तरह से कुल मिलाकर के आरसीबी ने 134 रन बनाए। अब जवाब में कोलकाता को 135 रन बनाने थे जीत के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कोलकाता की तरफ से बैटिंग करते हुए क्रिस गिल ने 18 गेंदों में 29 रन और अय्यर ने 30 गेंदों में 26 रन, राहुल त्रिपाठी ने 5 गेंदों में 6 रन, एस राणा ने 15 गेंदों में 18 रन, एस नारायण ने 4 गेंदों में 19 रन और अतिरिक्त के रूप से 3 रन। दोस्तों कुल मिलाकर के पहला विकेट कोलकाता का गिरा 41 रन पर। और जब 5.2 ओवर का खेल चल रहा था और उसके बाद दूसरा विकेट राहुल त्रिपाठी आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में 53 के स्कोर पर 7वें ओवर की 6वीं गेंद पर। और उसके बाद आउट हुए अय्यर 10वें ओवर के 6वें गेंद पर, और जब स्कोर था 79 रन। तो दोस्तों इस प्रकार से कोलकाता ने एक बार फिर से मैच को अपने नाम कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच को जीत लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैच में आईपीएल 2021 के आखिरी सीजन था, इसमें फैंस को विराट कोहली की कप्तानी बड़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन फिर भी टीम से बाहर हो गए। और इस बार जो है विराट कोहली अभी तक एनिमिनेटर तक खेला, लेकिन इसके बाद भी इनको बाहर जाना पड़ा। तो दोस्तों ये था मैच का आंखों देखा हाल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपीएल 2021 में सोमवार यानी कि आज एलिमिनेटर खेला जाना था। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत थी, लेकिन बेंगलोर के इस मैच इसलिए ज़रूरी था क्योंकि टीम यहां अगर जीतती तभी आगे जाती, लेकिन कोहली के सपने अधूरे ही रह गए और केकेआर यानी कि मॉर्गन की टीम ने एक बार फिर से जो है मैच को अपने नाम कर लिया है। तो इसमें जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने 135 रन बना करके मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों और ये था 59वें मैच का आंखों देखा हाल। अगले मैच में फिर हम आपसे मिलेंगे। तो इस मैच में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।